फ्रेंड्स आज हम लोग बनाने जा रहे हैं प्री मिक्स से गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन घर में बहुत अच्छे से बन के तैयार होते हैं। अगर कुछ ट्रिक एंड ट्रिप्स का आप ध्यान रखेंगे तो आपके गुलाब जामुन नहीं ख़राब होंगे और बहुत ही ईजिली ये बन जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाने की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैकेट प्री मिक्स गुलाब जामुन लिया हुआ है। ये निलॉन्स कंपनी का है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। इसके पीछे में सारी विधि दी हुई है बनाने की और हमें कितना चाशनी बनाना है। और प्राइस इसका 120 रुपये है, मुझे कुछ कम में मिल गया था, और 175 ग्राम का है ये। तो चलिए हम इसके पैकेट को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का ये पैकेट दिया हुआ है, अब इसको हम खोल लेते हैं। तो ये देखिए इसमें इस तरीके का पाउडर, इसमें थोड़ा बहुत गुठलियाँ हैं, तो आप इसे तोड़ लीजिए। फिर उसके बाद इसे ठंडे पानी से हमें गूँथना है। तो पानी हमें इकट्ठे नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसमें डालकर इसको एक डो बनाएंगे। तो इसका सॉफ्ट डो हमें बनाकर तैयार करना है थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। तो ये देखिए डो बनके रेडी हो गया है। अब इस पैकेट में लिखा हुआ है कि 40 गोले बना सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े बड़े गुलाब जामुन चाहिए थे, इसलिए मैंने इसके 20 से 22 गोले बनाए हैं। तो आपको जितना बड़ा चाहिए आप बना सकते हैं। तो ये देखिए गोले को बहुत अच्छे से हमें बनाना है, इसमें क्रैक ना हो, तो अच्छे से हमें इसे गोला बना लेना है। इसी तरीके से सारे गोले बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, तो मैंने एक तरफ तेल भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, और सारे गोले बनकर तैयार हो गए हैं। तो जब ये गुलाब जामुन को हमें फ्राई करना है तो पहले हमें ऑयल को गर्म कर लेना है, फिर गैस के लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। तो तेल अच्छे से पहले गर्म हो जाने दीजिए, फिर इन गुलाब जामुन को डालना है। और हमें लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, क्योंकि आप गर्म तेल पर एकदम से फ्राई कर देंगे तो ऊपर से कलर तो इसका ठीक रहेगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए इसको लो फ्लेम पर आपको जितना कलर चाहिए उस हिसाब से आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे इतना ही कलर तक फ्राई किया है। अब सारे गोले को हम निकाल लेते हैं और अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 600 ग्राम जो है शुगर लिया हुआ है, और 600 ml पानी में हम इसे बॉईल करेंगे, तभी इसका जो है टेस्ट अच्छा आएगा। और इसमें हम अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा केसर और इलायची डाल देते हैं। केसर से थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाएगा और इलायची से इसमें फ्लेवर अच्छा आएगा। तो इसे मिक्स करके हमें एक तार की चाशनी बनाना है, या फिर 5 मिनट तक हम इसे तेज फ्लेम पर बॉईल करेंगे, और थोड़ा देर के लिए हम धीरे करके बॉईल करेंगे, तो चाशनी हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी। तो गर्म चाशनी हो तभी हमें इसमें डालना है, एकदम गर्म चाशनी पर मत डालिएगा, थोड़ा सा हल्का गर्म हो तभी डालकर इसे एक घंटे के लिए छोड़ देना है।